खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं, ये चिट्टा माफिया किस स्थिति के अंदर हमारे प्रदेश को लेकर के जा रहा है? एक नहीं, अनेक घटनाएं। अगर जून के हम मर्डर निकालें तो और आंखें खुल जाती हैं, क्या अकेले जून में इतने सारे मर्डर हो सकते हैं? 30 जून को मैंने बताया कड़ुवाना में फायरिंग होती है, 17 जून को बरोटीवाला में युवक की हत्या होती है, 24 जून को सोलन में टैक्सी वाले का मर्डर होता है, 28 जून को और सोलन में महिला का शव मिलता है, 25 जून को और सैलानियों के ऊपर फायरिंग होती है, 25 जून को चंबा के चुवाड़ी में और कांगड़ा के युवक की हत्या होती है, 20 जून को मैंने बताया बिलासपुर के कोर्ट परिसर के बाहर फायरिंग होती है, 20 जून को कीरतपुर नेहर चौक फोर लेन के समीप एक हत्या होती है, और इसी तरह 16 जून को अमेरिकी नागरिक का शव मिलता है, 15 जून को युवक और युवती की सड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं, 12 जून को और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर की हत्या होती है, और 9 जून को एक पति पत्नी को केवल पैसे के लालच में मार दिया जाता है, 8 जून को ठियोग में गोलाबारी होती है, गोलियां चलती हैं। ये यही नहीं रुकता है, खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं, खनन का अधिकारी पुलिस का अधिकारी दोनों को खनन माफिया बदीबरोटी वाला नालागढ़ एरिया में बंधक बना देता है, और पंजाब पुलिस की इंटरवेंशन के बाद वो वहां से छूट करके आते हैं। ये चिट्टा माफिया किस स्थिति के अंदर हमारे प्रदेश को लेकर के जा रहा है? और पिछले 1.5 साल के अंदर सरकार न केवल हाथ पर हाथ रख करके बैठी है, वहां पर जहां पर ये सारा प्रशासन और सरकार के करिंदे उनकी नाक के सामने सब कुछ हो रहा है, उनको वहां किस लिए रखा गया है? ये प्रश्न पैदा होता है।